Hello guys, my name is Ishan Ali. In this video, I will discuss phylum Platyhelminthes. The another name of the Platyhelminthes is flatworm. Now I will discuss in this video the trick. By remembering this trick, you can easily memorize the main characteristics of the phylum Platyhelminthes. So first of all, I will name the trick. I hope for the tab. You can hope for anything which you want in your life. So here you are hoping for the tab. So here I, you can see that I mean in this Platyhelminthes there is internal fertilization and development is indirect development. Indirect development means there is formation of larva in this phylum, and next you can see that all the member of the Platyhelminthes who do sexual reproduction are hermaphrodites. उसके आगे हम चलें तो हमारे पास एक निहायत अहम MCQ पूछा जाता है कि organ level of organization कहाँ से start हुई. तो देखा जाए तो हमारे पास जो organ level of organization जो है सबसे पहले phylum Platyhelminthes में start हुई और इसमें organ system भी देखने को मिला. उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास PE है. इसकी जो हमारे पास P से मैंने लिखा हुआ है प्लेनेरिया, जो हमारे पास प्लेनेरिया है ये फ्री लिविंग Platyhelminthes है. हैबिटेट देखा जाए तो हमारे पास जो Platyhelminthes है E से कुछ इसके मेंबर एंडोपैरासाइट हैं, और सवाए इसमें कुछ जो हमारे पास एंडोपैरासाइट है उसमें हमारे पास टेप वर्म्स आते हैं, लीवर फ्लूक है और ब्लड फ्लूक हैं. जो हमारे पास प्लेनेरिया है ये इसके सवाए जितने भी मोस्टली इसके मेंबर हैं वो एंडोपैरासाइट हैं, बीमारी का सबब बनते हैं डिफरेंट एनिमल्स में. और जो हमारे पास प्लेनेरिया है ये फ्री लिविंग है, ये छोटे छोटे जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको ये खाता है. तो ये आप ई से आप याद रख सकते हैं प्लेनेरिया, ई से आप याद रख सकते हैं दीज आर एंडोपैरासाइट एक्सेप्ट प्लेनेरिया. और एंडोपैरासाइट में हमारे पास टेप वर्म्स, लीवर फ्लूक और ब्लड फ्लूक आता है. उसके अलावा आप आगे चलें तो आपको नज़र आ रहा है FOR4. F मीन यहाँ पे इनके पास फ्लेम सेल होते हैं. फ्लेम सेल बल्ब की तरह की स्ट्रक्चर हैं जो इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल है उसमें ये फ्लेम सेल मौजूद होते हैं, और ये जो फ्लेम सेल हैं ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें जो R मैंने सर्कल किया वो रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल भी होती है और एसेक्सुअल भी होती है. आगे आपको नज़र आ रहा है टैब. टैब में जो हमारे पास टी है इसका मीन ट्रिप्लोब्लास्टिक. जितने ये फर्स्ट टाइम जो हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक जो मेंबर्स बने वो फाइलम Platyhelminthes से उनका ताल्लुक था. ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन इनमें तीन लेयर्स होती हैं. आउटर लेयर को हम एक्टोडर्म कहते हैं, और उसके अलावा इनर लेयर को एंडोडर्म, और दरमियान में जो लेयर होती है मेसोडर्म फॉर्मेशन सबसे पहले आपको Platyhelminthes में देखने को मिलती है. उसके अलावा ए से मैंने लिखा हुआ है एब्सेंट. इनमें हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो इनमें एब्सेंट होता है. और अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारे पास टेप वर्म ऐसा एक मेंबर है Platyhelminthes का जिसमें ना होने के बराबर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. उसके अलावा इसमें हमारे पास ए से देखें तो ये ए सिलोमेट्स हैं. ए सिलोमेट्स मीन इन ये जो हैं विदाउट सिलोम हमें नज़र आती हैं, सिलोम फॉर्मेशन अभी इनमें नहीं हुई. उसके अलावा बी हमारे पास इनमें बायलैटरल सिमेट्री है, इनको एक ही पॉइंट से दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है. आगे इनकी एग्जाम्पल आती है. एग्जाम्पल में हमारे पास टेनिया सोलियम जो कि साइंटिफिक नेम है टेपवर्म का, फैसियोला हेपेटिका जो हमारे पास साइंटिफिक नेम है लिवर फ्लू का, और स्किस्टोसोमा जो है ये ब्लड फ्लू का साइंटिफिक नेम है. जो हमारे पास टेप वर्म है ये हमारे पास इनका जो लाइफ साइकिल देखा जाए तो इनके दो होस्ट होते हैं, या दो होस्ट में से या तो ह्यूमंस होंगे और सेकंड होस्ट कैटल या पिग हो सकता है. और हमारे पास टेप वर्म जो होता है इसकी बॉडी रिबन लाइक होती है, और जो इसकी बॉडी के सेगमेंट होती हैं उनको हम प्रोग्लोटिड्स भी कहते हैं.
प्रोग्लोटिड से इनकी बॉडी मिलकर बनी होती है। और अगर किसी इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम में टेपवर्म चला गया है, वहाँ को उससे रिमूव करना एक इंतहाई मुश्किल काम है, उसके लिए आपको मेडिसिन खाना पड़ती है। उसके अलावा अगर प्रोग्लोटिड्स या जो सेगमेंट, एक भी सेगमेंट टेपवर्म का अगर रह जाए, उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो दोबारा वहाँ से नया जानदार बना ले। बाकी इनके अंदर डीजनरेटिव मस्कुलर सिस्टम और जो नर्वस सिस्टम होता है टेपवर्म के अंदर, ये डीजनरेट हो जाता है, क्योंकि इसने हमेशा वहाँ पे शक्कर और हुक की मदद से ये अपने आप को अटैच रखता है। हुक्स और शक्कर होती हैं, अपने आप को अपने होस्ट से जहाँ पे ये पैरासाइटिक शिप के तौर पे रह रहा है वहाँ पे अपने आप को ये गार्ड लेता है। उसके अलावा आप देखें तो जो हमारे पास ये जो टेप वर्म है, इसके अंदर 6 चिटनियस हुक एम्ब्रियो भी मिलता है। ये अपने आप को जो है वहाँ पे अपनी जो फीमेल की यूट्रस होती है वहाँ पे रहता है, और फीसिस के जरिए, ह्यूमन फीसिस के जरिए बाहर आ जाती हैं। और फिर अगर उस फीसिस का सामना किसी ज़मीन से हो रही है, वहाँ से कोई प्लांट उगता है, तो प्लांट अगर कोई काऊ खा लेगी या पिग खा लेगी तो उसके बॉडी में चला जाएगा, और वो जो अनकुक्ड मील होता है या अनकुक्ड जो मीट होता है उसको खाने से दोबारा टेप वर्म हो जाता है। और ये जो हमारे पास लिवर फ्लूक है, इसमें भी टू होस्ट होते हैं, इसमें शीप ह्यूमन डबल होस्ट हो सकते हैं। ये बाइल डक्ट में रहता है, और शक्कर और हुक की मदद से ये अपने आप को वहाँ पर अडहेसिव ऑर्गन के जरिए वहाँ पर ये चिमट जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी कि प्लेटी हेलमन तीस जो है, इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गनाइजेशन है, फ्लैट वर्म है ये, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें अब्सेंट होता है। उसके अलावा इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती हैं, हर्मोफ्रोडाइट है कि इनके एक ही जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एक ही मेंबर में मेल और फीमेल मौजूद होती हैं, हुक्स और शक्कर की मदद से ये अटैच होते हैं। उसके अलावा इनमें देखा जाए तो हमारे पास एंडोपैरासाइट हैं, वो मैंने एग्जांपल दी, और कुछ जो फ्री लिविंग है उसमें प्लेनेरिया आता है, ट्रिपलोब्लास्टिक होती हैं, एसिलोमेट हैं, और बायलैटरल सिमेट्री इनके अंदर मौजूद होती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी लगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट फाइलम एस्की हेलमिंथीस। लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।